हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आटे की बहुत ही स्वादिष्ट मिल्क बर्फी और मिल्क केक। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही यम्मी लगती है। इसे आप अगर एक बार बनाएंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आसानी से बन जाती है, खर्चा भी इसकी बहुत कम है और स्वाद लाजवाब है। तो इन त्योहारों के मौसम में चलिए बनाते हैं आटे की मिल्क वाली बर्फी और मिल्क केक। मैं ममता आप सभी को मेरी आईस्मार्ट रसोई में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए इंग्रीडियंट्स में हमको चाहिए गेहूँ का आटा 1 कटोरी। हम यह घर में जो आटा इस्तेमाल करते हैं वही ले रहे हैं। जिस कटोरी से आपने आटा नापा है उसी कटोरी से हम सारे मेजरमेंट करेंगे। आप कोई भी 1 कटोरी ले लीजिए, उसी से आप सारे मेजरमेंट करिए। गाय घी 1/4 कटोरी। गाय घी से बनाने से इसकी स्वाद बहुत ही अच्छी आती है। अगर आपको गाय घी पसंद ना हो तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। पीसी हुई शक्कर 3/4 कटोरी। शक्कर को हमने मिक्सी में डालकर पीस लिया है। मिल्क पाउडर 1/4 कटोरी। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। गार्निशिंग के लिए बड़े बादाम, आप अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वही ले लें। इलायची पाउडर 1 छोटे चम्मच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले कढ़ाई बैठा लें, उसमें सारे घी डाल दें। अब मीडियम आंच में इसे गर्म होने दें। घी जब पूरी तरह से गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दें। अब उसे चलाते हुए सारे आटे डाल दें। अब इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिलाएं। देखिए, हमने जब आटा डाले हैं तो लम्स जैसे हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, हमें अच्छी तरह मिलाना है। इसे धीरे धीरे करके चलाकर इसे मिलाएंगे ताकि ये लम्स मिल जाए। हमें यहाँ फ्लेम को पूरी लो रखना है। इसे हमें पूरी लो फ्लेम पर ही पकाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसे पूरा आहिस्ता आहिस्ता भूनना है। देखिए, करीब करीब इसके सारे लम्स मिल गए हैं। अब आटा पूरा यूनिफॉर्म हो गई है, कोई भी लम्स नहीं है। अब इसे धीरे धीरे भुनना है। आहिस्ता आहिस्ता भुनने से ये पूरी अच्छी तरह से सीख जाती है। वही अगर आप फ्लेम को जोर करके भून रहे हैं तो वो एक तरह से ज्यादा भुन जाएगी और दूसरी तरह कम भुनी हुई रह जाएगी, जिससे उसकी स्वाद इतनी अच्छी नहीं आएगी। इसी तरह इसे धीमी आंच पर ही भूनना है। इसे बनाने में थोड़ी पेशेंस चाहिए। दोस्तों, ये बर्फी बहुत ही यम्मी लगती है। आटे से बनी होने की वजह से ये बहुत ही हेल्दी है। इसे घर में कोई भी खा सकता है। बच्चों को तो खास ही पसंद आएगी, पर बड़े भी इसे बहुत ही पसंद करेंगे। मुझे इसे भूनते हुए करीब 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। इसकी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। इसमें अब इलायची पाउडर डालते हैं। इसे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ी देर और भून लें। अब गैस को बंद कर दें। अब इसे थोड़ी ठंडी होने लगे। करीब 2-3 मिनट हो चुकी है, ये ठंडी हो गई है। ठंडी होने पर ही हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। याद रखें, ज्यादा ठंडा नहीं करना है। अब इसमें हम मिल्क पाउडर आधा डाल देंगे। इसे उलट पलट कर अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब जो बाकी के बचे मिल्क पाउडर है उसे भी हम डाल देंगे। अब इसे मिलाएंगे। अब इसमें पीसी हुई शक्कर डाल देंगे। अब इसे भी अच्छी तरह मिला देंगे। ये पूरी तरह तैयार हो चुकी है। बर्फी के पीसेस काटेंगे। मैंने ये डब्बा ले ली है। अब इसमें हम आटे की मिक्सचर को डालेंगे। अगर आपके पास इस तरह की डब्बा नहीं है तो आप इसे थाली में फैलाकर भी इसके पीसेस काट सकते हैं। इसमें हम पहले थोड़ी सी आटे की मिक्सचर को डालेंगे। अब एक चम्मच लेंगे, उससे इसे अच्छी तरह से चारों तरफ दबाएंगे। अब इसमें बाकी के मिक्सचर डालकर
फिर से उसे दबाएंगे। इस तरह से दबाने से बर्फी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब इसे हम थोड़ी ठंडी होने के लिए रख देंगे। इसे पूरी तरह ठंडा करना है। आप इसे चाहें तो फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। अब करीब आधा घंटा हो चुकी है। इसे अब आप अपने मनचाहे आकार में काट लें और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें। लीजिए दोस्तों, ये हमारी आटे की मिल्क बर्फी तैयार है। आप इसे किसी एयर टाइट डब्बा में रख दें। इसे आप महीना भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, खराब बिल्कुल नहीं होगी। आटे की मिल्क केक बनाने के लिए हम पूरी तरह वही तरीका से आटे को घी में भूनकर उसमें इलायची, मिल्क पाउडर, पिसी हुई शक्कर सभी चीज डालकर उसकी मिक्सचर पहले जैसे तैयार करेंगे, पर लास्ट में 4 बड़े चम्मच दूध डालेंगे। ये मैंने बनाकर इसे सेट कर लिए। अब इसे आप अपने मनचाहे आकार में काट लें। इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें। इसकी स्वाद और बर्फी की स्वाद दोनों में बहुत ही फर्क, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे आप 5 से 7 दिन में ही इसे आप 5 से 7 दिन ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप रख नहीं सकते, खराब हो जाएगी। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।